मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में मोहल्ला चौकीदारी सिस्टम नाफिज करने का ऐलान करते हुए कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमकेएम रहनुमा फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सिंध पुलिस अमन व अमान के क्याम में नाकाम हो गई है। सिंध पुलिस जराय पेशा अनासर को लगाम डालने में नाकाम हुई है। जनाब तशरीफ लाए वफाकी वजीर दाखिला कराची, नेबरहुड वॉच सिस्टम यहाँ पर बनाए, नहीं बनाएगी सिंध हुकूमत, हम ऐलान कर रहे हैं इनकम बनाएगी, किसी ने रोकना है रोक के दिखाए। वजीर दाखिला साहब आंखें खोले, मुंह खोलने से पहले आंखें खोले, और जब जबान खोले के तो दिमाग को भी खोले अपने। ये आम से स्ट्रीट क्राइम कहने वाले को शर्म आनी चाहिए। वजीर दाखिला जरूर बने लंजार साहब, लेकिन रवैया दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल सही है, 50 लोग ही तो मरे वजीर दाखिला साहब, इतना मसला कहां है? 50 लोग में आपका कोई रिश्तेदार तो मरे नहीं है, तो आपके लिए मसला थोड़ी है। जनाब चीफ जस्टिस सिंध लगाए आज कराची बदमनी केस। चीफ जस्टिस सिंध से मेरा मुतालबा है की कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल किया है सूबा सिंध की हुकूमत ने कि भाई हमारी मर्जी का बस आईजी लगाओ। आपका मनपसंद आईजी आ गया, आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि जितनी बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत के बाद उनकी डेड बॉडी पे नशिस्तें मिली थी पीपल्स पार्टी को, उससे कोई 30-1 नशिस्तें जो है अपनी नाअहली और बदनामी की लाश पर मिली हैं उनको, तो ये यकीनन सोचने का मकाम है, लेकिन तौबा का भी मकाम ना है।